हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आप पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लाया हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। ये फिजिक्स स्पेशल से, अगर आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? ऑप्शन ए द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का नाभिक ऊर्जा में परिवर्तन, एंड ऑप्शन डी न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ा जाना चाहिए? ऑप्शन ए सीरीज में, ऑप्शन बी समांतर में, ऑप्शन सी मिश्रित व्यवस्था में, मतलब सीरीज समांतर दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कांच, एंड ऑप्शन डी सिलिकन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकन, ये एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी एविन श्रोडिंगर, ऑप्शन सी नील बोर, एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नील बोर, इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो, मतलब जो बहुत ही विजुअल हो, जो आसानी से देखी जा सकती हो, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए इरेजर, ऑप्शन बी ग्रेजर, ऑप्शन सी मेसर, एंड ऑप्शन डी लेजर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी एक विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर विद्युत चुंबक के प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन सी किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएँ होती है, ऑप्शन डी हर एक विद्युत रोधन वाली तार प्राय विद्युत युन्मय तार होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हर एक विद्युत रोधन वाली तार विद्युत उन्मय तार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह की क्षेत्र का गुणज है। ऑप्शन ए चुंबकीय अति संवेदनशीलता, ऑप्शन बी चुंबकीय अनुकंपन, ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह, एंड ऑप्शन डी चुंबकीय पल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है? ऑप्शन ए हॉट एयर रिप्लेसमेंट, ऑप्शन बी एयर डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी एवोपोरेटिव कूलिंग, एंड ऑप्शन डी एयर रिहाइड्रेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एवोपोरेटिव कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है? ऑप्शन ए केंद्रीय भाग में, ऑप्शन बी पूरे शरीर में, ऑप्शन सी शरीर की प्रकृति पर निर्भर करती है, एंड ऑप्शन डी बाहरी सतह पर। अगर कोई कण आवेशित किया जाता है, चाहे उस पर पॉजिटिव हो आवेश या नेगेटिव हो, तो वो आवेश उस पार्टिकल्स के किस भाग में रहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बाहरी सतह पर, मतलब इसके जो बाहरी सतह होगा उसी पे चार्ज आपको मिलेंगे देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोट होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगा? ऑप्शन ए 20 मिनट, ऑप्शन बी 2 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 3.7 घंटे, एंड ऑप्शन डी आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते, क्योंकि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जुड़ा होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रल से सीरीज में, ऑप्शन बी लाइव के समांतर, ऑप्शन सी न्यूट्रल के समांतर, ऑप्शन डी लाइव के सीरीज में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाइव के सीरीज में, फ्यूज हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि जैसे ही अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज जलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी रेडियम, एंड ऑप्शन डी डीजल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूरेनियम, ये नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चुंबकीय प्रवाह की SI यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी वेबर पर मीटर,
ऑप्शन सी वेबर पर मीटर का पावर 4 एंड ऑप्शन डी वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वेबर, सिर्फ वेबर, इसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी सिलिकन, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्वर, सिल्वर ओम चालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवरक्त तरंग, ऑप्शन बी रेडियो तरंग, ऑप्शन सी पैरावैगनिक तरंग एंड ऑप्शन डी आयाम अधिमिश्रण तरंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेडियो तरंग, कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित तकनीकों में से किस पर फोटोस्टेट मशीन? ऑप्शन ए मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, ऑप्शन बी थर्मल इमेज मेकिंग, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रतिबिंब का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिरोधता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट स्क्वायर इंटू एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट बाय एम्पियर, ऑप्शन सी एम्पियर बाय वोल्ट एंड ऑप्शन डी वोल्ट इंटू एम्पियर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वोल्ट बाय एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी हाइड्रोजन न्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हम सदा चंद्रमा का वही पार्श्व देखते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए वह पृथ्वी से छोटा है, ऑप्शन बी वह अपने अक्ष पर पृथ्वी से विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, ऑप्शन सी वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमण में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूमने में एंड ऑप्शन डी वह उसी गति से परिक्रमा करता है जिस गति से पृथ्वी सूर्य के गिर्द परिक्रमा करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वह पृथ्वी के गिर्द परिक्रमा में उतना ही समय लेता है जितना अपने अक्ष पर घूमने का, इसलिए हम हमेशा एक ही पार्श्व देख पाते हैं। जैसे जैसे हम घूमते हैं पृथ्वी में वैसे वैसे चंद्रमा भी घूम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि? पृथ्वी के आकर्षण का बल ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य होता है, ऑप्शन बी चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है, ऑप्शन सी अभिकेंद्र बल के समान होता है एंड ऑप्शन डी सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उस स्थान पर शून्य हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।